कोरोना महामारी ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी के हालात पैदा कर दिए हैं, लेकिन एक व्यवसाय ऐसा भी है जिस पर इस घातक कोरोना महामारी की मार सबसे ज़्यादा पड़ रही है और आगे भी इसके उभरने की कोई खास उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसी भी प्रकार के सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रमों में मुख्य भूमिका निभाने वाले बैंड मास्टरों की। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में लगी पाबंदियों के कारण पिछले 6 माह से ये लोग किसी भी कार्यक्रम में बैंड बजाकर लोगों का मनोरंजन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते ये अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बैंड संचालक की माने तो पिछले 6 महीने से वो फ्री हैं और कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके व्यवसाय में बेरोजगारी पड़ गई है। इन दिनों त्योहारों के सीजन में इतना कमा लेते थे कि बच्चे अच्छे से पल जाते थे, लेकिन अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे भी तंग हो रहे हैं। बच्चे तंग बैठे, बच्चे काम है नहीं, कारीगर सब घर बैठे बेचारे, उन्हें तंग आना नहीं बच्चों की। कारीगर अच्छा काम होता था, अब कुछ नहीं, लॉकडाउन से करके बीमारियां करके सब कुछ ठप पड़ा। इन दिनों में कितनी कमाई कर लेते थे पहले? इन दिनों कमाई तो चलो अच्छी, चलो बच्चे पालने टाइम सब था बढ़िया, अब तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वेले बैठे बेरोजगार है, बच्चे तंग हुए, खर्चा बन गया बिल्कुल बेरोजगार। रमेश कुमार सिंह जी, क्या काम की स्थिति है अभी? काम का तो जी बस आप देख ही रहे हैं, बहुत बुरा हाल है जी। ये पीछे अपना सब शोभा यात्रा जितनी होती थी हमारी, गणेश की, जन्माष्टमी की, और अपना ये बावन भगवान का, इसमें कमाइयाँ होती थी, कारीगर लोग आते थे जी, दिल लगता था इन भगवान के काम में। और अगर स्थिति है ना, आगे तुम्हारा आगे कारीगर परेशान कर रहे हैं, खर्चा दो जी, हम कहाँ से हैं। मैंने कहा भाई तुम अपना दिहाड़ियाँ करते रहो, हमें तुम्हारे जैसे हैं, हम क्या करें, कहाँ से दें, जो काम हो तो देंगे, कहाँ से दें। तुम अपना जो भी अपना काम है तुम्हारा दिहाड़ी का, अपना करते रहो, खाते रहो, कुछ गवर्नमेंट दे ही रही है आपको राशन पानी। त्योहारों के दिनों में कितनी कमाई रहती थी और अब की बार क्या पिछली? बस 2-4 महीने में ये अपना कमाई लेते थे, साल का अपना ही, साल का अपना खर्चा निकल ही जाता था। अब तो बहुत बुरा हाल है, ये तो टाइम काटना मुश्किल हो रहा है, किराए ऐसे पड़े हैं अपने दुकानों के, दुकान के किराए नहीं दे सकते, जो भी रेंट पे कुछ गोदाम वगैरह सारे ऐसे बिल्ले पड़े हैं, हाथ जोड़ के काम ले रहे। मैंने कहा भाई अभी तो पैसे नहीं, आके देखे नहीं कुछ होएगा, हो ही नहीं रहा कुछ भी, अब कहाँ से कर्जा खाएं, क्या करें, क्या ना, कोई रास्ता ही नहीं है कोई, बहुत बुरा। हाँ सर जी, सरकार से कुछ डिमांड है? सरकार से तो यही है जी, हमारा थोड़ा बहुत सहायता करे या कुछ हमें कुछ मिले, है जी, हमारा काम आगे कुछ चले। हमारे पास तो इस टाइम हम तो बेकार हो गए, इस टाइम बहुत बुरा हाल हो गया।